दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बाउल जो पड़े हुए हैं, यानी कि दोस्तों अनकम्प्लीट हैं। देख सकते हैं कितने सारे नंबर के, कितने सारे कलर के बाउल जो हैं पड़े हुए हैं यहाँ पे। और चलिए आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों ये सब बाउल जो है इस दाने का बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लास्टिक का दाना आ जाता है कुछ इस तरह का कलर का, यानी दोस्तों ये प्लास्टिक का है। और इसे मशीन में लगा के उसको गर्म करके पानी जैसा बना के फिर अब बाउल और एम्पलर को हम बनाया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो बाउल जो है कैसे बनता है। अब देख सकते कुछ इस तरह की डाई आ जाती है और इसी डाई में जो है होल होता है, अब देख सकते हैं, और कुछ इस तरह का एम्पलर जो है बन जाता है बाउल। देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे डाई जो है ज्वाइंट हो गई आपस में कुछ इस तरह से। और फिर जो दाना आपको दिखाया था वो दाना दोस्तों इस मशीन पे हम डालते हैं और वही दाना दोस्तों गर्म हो के इस डाई के अंदर जाता है। और डाई में जिस तरह का खांचा भी बना होता है उसी में सब में वो दाना भर जाता है और फिर कुछ इस तरह से डाई जो है खुलती है और देख सकते हैं कुछ इस तरह का बाउल जो है बन जाता है। ये दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर की जो डिश है उसको हमें इसमें लगानी पड़ती है। अब देख सकते हैं कितने सारे बाउल जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं सब। दोस्तों इसी तरह से ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन में हम बनाया करते हैं। अब देख तो उसके बाद चलिए दिखाते हैं इसके ऊपर जो रिंग होता है वो सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, यानी कि दोस्तों डाई अलग प्रकार की आ जाते हैं यहाँ पर। अब देख सकते कुछ इस तरह की रिंग जो है बन जाती है जो बाउल के ऊपर लगानी पड़ती है, अब देख सकते हैं। और वो भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कैसे बाउल के ऊपर जो है रिंग लगती है। अब दोस्तों देख सकते हैं बाउल है कुछ इस तरह से हमने बनाया था, दोस्तों अलग कलर का है, उस कलर का यहाँ पे नहीं था। और देख सकते हैं इस कुछ इस तरह से रिंग आ जाती है और फिर ये दोस्तों इस मशीन पे लगा के यहाँ पे प्रेस किया जाता है जिससे दोस्तों देख सकते हैं आराम से ज्वाइंट हो जाती है। और चलिए एक बाउल और आपको दिखाता हूँ इसमें डिश लगा के। यहाँ पे दोस्तों ये इस मशीन का जो नाम है वो अल्ट्रासोनिक है। कुछ इस तरह से बाउल के ऊपर डिश रख के और इस अल्ट्रासोनिक मशीन से यहाँ पे प्रेस किया जाता है जिससे बिना कुछ लगाए हुए है चिपक जाता है। अब दोस्तों एम्पलर की भी डाई सेम टू सेम ही आ जाती है, केवल जो अंदर का आपको लोहे का दिख रहा है डाई वही दोस्तों अलग अलग आता है, बाकी मशीन जो है सेम टू सेम ही आती है। और मोल्डिंग मशीन इस मशीन का नाम है। और कुछ इस तरह से देख सकते हैं डाई जो है ज्वाइंट हुई, उसके अंदर जो है प्लास्टिक का दाना जो है गर्म किए करके अंदर जाएगा, उसके बाद जो है 5 या 10 सेकंड बाद ये डाई खुलती है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से एम्पलर जो है गिर जाता है। चलिए एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं डाई जो है ज्वाइंट हुई और 5 से 7 सेकंड यह डाई टाइम लेती है उस एम्पलर को ठंडा करने के लिए, नहीं तो पानी जैसा ही निकल आएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं डाई जो है खुल गई और एम्पलर यहाँ पे गिर जाते हैं, यानी कि दोस्तों यही जो है एम्पलर है, इसके ऊपर भी वैसे ही डिश जो है हमें लगानी पड़ती है और वही उसी अल्ट्रासोनिक मशीन पे इसको हमें जॉइंट करना होता है। अब देख सकते हैं ये दोस्तों वर्जिंग दाने का है या हाईवरी का, हाईवरी का है मेरे को लगता है। और फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिश आ जाती है और इस एम्पलर को देख कुछ इस तरह से हमने बनाया था मोल्डिंग मशीन पे और इसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया और फिर उस मशीन पे लगा के हमें प्रेस करना होता है, यानी दोस्तों ये देख सकते हैं ये अलग अलग हैं। और फिर इस अल्ट्रासोनिक मशीन पे लगा के दोनों और फिर इसको प्रेस कर दिया जाता है जिससे ये क्या है दोनों गर्म होके जुड़ जाते हैं बिना फेविकिक बिना कुछ लगाए हुए। देख सकते हैं एम्पलर जो है कम्प्लीट हो चुका है। चलिए और भी कुछ एम्पलर देख सकते हैं आप, यानी कि इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, डिश को लेके एम्पलर के ऊपर रख दीजिए और फिर इस अल्ट्रासोनिक मशीन से इसमें हमें जॉइंट कर देना होता है और फिर आप देख सकते हैं एम्पलर जो है कुछ इस तरह से बन जाता है। अब देख सकते हैं 4 नंबर का एम्पलर है और कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, बस इतना ही होता है। ये दोस्तों 4 नंबर का एम्पलर है। चलिए एक बार और मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से नीचे हमने मशीन पे बनाया था और उसके ऊपर ये डिश हमें कुछ देख सकते हैं डिश लगा देनी होती है कुछ इस तरह से और फिर इस मशीन पे यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के इसको जॉइंट कर दिया जाता है जिससे क्या है एम्पलर और बाउल जो है बन जाता है, कम्प्लीट हो जाता है।